Hello Deepa, how are you? Thank you for giving me this opportunity. My name is Aisha Irfan Azir. I'm a medical doctor as well as working as a mental health counselor. I've done diploma in integrative counseling and psychotherapy from CPCAB UK. So currently practicing as a mental health counselor or a psychotherapist. So this is for our new blog. It's Educational Roundup. So the purpose of this blog is to, you know, इसकी approach थोड़ी सी different है normal blog से, क्योंकि इसमें we are gonna involve, we have involved you, psychologists, schools, teachers as well. It's not just an info blog for parents. इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग cover करेंगे. तो अच्छा, today's interview is about preschools and younger kids. So I'm sure you have dealt with them too. ये बहुत बड़ी debate है actually कि concept of Pakistan में बहुत ज़्यादा common होता जा रहा है. Islamabad is one of the highest enrollments in preschools actually this year. तो इसमें मैं questions शुरू करती हूँ कि सबसे पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में perfect एक बच्चे की जो है वो कौन सी होती है जिसमें उसको school जाना शुरू करना चाहिए. और answer this keeping in mind कि पाकिस्तान में preschools किस type के होते हैं, you know, वहाँ पे education किस तरह दी जाती है. देखिए, if I go by religion and if I go by psychology, हमारे religion में भी पहले 6 साल 7 साल की उम्र तक माँ कहते हैं कि माँ की तरबियत, माँ की गोद is very important. Even in psychology, अगर हम attachment theory ले लें, John Bowlby, या हम even Melanie Klein, जो कि बड़े बड़े नाम है ना, जिन्होंने बच्चों की child psychology में काम किया और जो pioneers हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, आप उनके देखें तो दे फर्स्ट 4 to 6 years ऑफ लाइफ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द गुड मेंटल हेल्थ, लाइक मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए आपको फर्स्ट 4 to 6 years ऑफ लाइफ आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो हम प्री स्कूल में कहते हैं प्री स्कूल, आई एम नॉट गोना से, देखिए वी कैन नॉट बी जजमेंटल. अब हमारा उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा. अर्बन लाइफ में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सपोर्ट पहले नानियाँ दादियाँ होती थी, कुपियाँ खालाएं, कुछ ना कुछ होता था. अब आप देखिए ये कजन्स होते थे. द इशू इज कि अगर बोथ वर्किंग पेरेंट्स हैं एंड दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ द किड्स, आप सर्वेंट्स भी छोड़ दें, इवन आप ओल्डर कजन्स वगैरह भी किसी भी छोड़ दें, तो अब्यूज का खतरा बढ़ जाता है. सी, आप यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन. सो स्कूल एनवायरमेंट इसलिए सेफ हो जाती है कि एटलीस्ट द चाइल्ड इज मॉनिटर्ड एंड देयर इज अ होल, मतलब पूरे बच्चे हैं और टीचर है, इस तरह की सिस्टम है. बच्चा उस तरह से अकेला एक सर्वेंट पे एक इस पे नहीं है. तो इट्स लाइक अ टू एज्ड स्वॉर्ड कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपका रिस्क है, आपने जॉब करनी है, तो आपने बच्चे घर पे सर्वेंट पे नहीं छोड़ सकते. आप बच्चों को उतना कितना आपको स्कूल में डालनी है. सो देन स्कूल बिकम्स एन इमिनेंट चॉइस. स्कूल्स, प्री स्कूल्स बिकम एन इमिनेंट चॉइस फॉर द वर्किंग पेरेंट्स. बट अगर आप एक वो देखें कि बेस्ट केस सिनेरियो आइडियली क्या होना चाहिए, तो आइडियली तो अगर आप देखें तो 5 years मिनिमम होना चाहिए. 5 years के आप बच्चे को करवाएं, 4 to 6 है ना, तो आप चले एवरेज ले लें 5 years. भी प्री स्कूल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए ना, चाइल्ड टू टीचर रेशियो का. प्री स्कूल में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल, थोड़े बड़े स्कूल में होते हैं उसमें ना, बड़े स्कूल्स में भी कहें तो ये दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट. जो आपका जो पिक करना है स्कूल, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना, क्लीननेस है, फिर आपकी पेरेंट टीचर इंटरेक्शन है कि कितना स्कूल आपको इंटरेक्ट करने देता है, फिर ये कि द स्टाफ कैसा है, हाउ रिस्पॉन्सिबल एंड फ्रेंडली दे आर, एंड वॉट इज द पेरेंट टीचर रेशियो, ठीक है, फिर आपके उनका कल्चर क्या है प्री स्कूल का, कि दे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाते हैं, आप जाके एक्टिविटीज देखें कि वो क्या हैं और वो क्या आगे सिखा रही हैं, उनकी प्रिंसिपल की, उनकी टीचर की क्या है विजन, क्या विजन क्या है कि वो ये चीज अगर करा रही हैं तो क्यों करा रही हैं. जस्ट बिकॉज ब्लॉक्स रख दिए, अच्छा जी बच्चे ब्लॉक्स खेलेंगे, ठीक है फाइन, व्हाई आप ब्लॉक्स का टाइम क्यों है, अच्छा वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है, रीडिंग का टाइम है, उसमें कलरिंग का टाइम है, किस चीज उससे आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी विजन क्या है. क्योंकि देखिए ना, उस स्टाफ की ट्रेंड होगा ना कि हाउ टू डील विद प्री, मतलब आप जो बच्चे ये 2 to 5 years इज लाइक वेरी वल्नरेबल, वेरी इम्पोर्टेंट एज. आपने ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए आपने जो जो चीज करानी है, मतलब उसका आपने कि ये एक्टिविटी इस वजह से, ये एक्टिविटी उनके पास लिटरेचर, उनके पास तैयारी हो पूरी कि हमने सब कुछ क्यों करना है, कैसे करना है.
देखो ना, अब स्टेम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कितना ज्यादा आ गया, तो वो तो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कराते हैं। ना विद टाइम्स एंड विद ए टाइम अपनी चेंज करनी पड़ती है हाउ यू आर इन द वर्ल्ड। अगर आप इवॉल्व कर गए इतना कि स्टेम और ये रोबोटिक्स और ये सब आ गए इसके बगैर गुजारा नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक पुराने स्टाइल पे चले। अकॉर्डिंग टू द न्यू आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, और उसकी रीजंस होती हैं। आजकल के बच्चे जो जैसे ना कि आप डील विद द किड्स, हजरत अली का भी कॉल है कि जिस तरह जिस जमाने के बच्चे आपको उसी तरह उनके साथ डील करना है। अगर आजकल के बच्चे रोबोटिक जमाने के इनसे आगे चले गए हैं, तो आपने उसी तरह डील करना है, पुरानी बात नहीं रखना है उनको, क्योंकि उनका एक्सपोजर और उनकी रिक्वायरमेंट यही है। हमारा एक्सपोजर रिक्वायरमेंट फर्क थी, हमारे पेरेंट्स की फर्क थी, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं, यू गो अकॉर्डिंगली कि जिस तरह है। तो अगर ये स्कूल्स देखिए, रोबोटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई स्कूल्स करवा रहे हैं, लेकिन कई स्कूल सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई स्कूल सिर्फ खाना पूरी के लिए बहुत सारी चीजें करवाते हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ खाना पूरी के लिए करवाई जाती हैं कि टेक अ बॉक्स हो गया हमारा कि वी आर वेरी बेस्ट स्कूल, हम ये चीज ऑफर करें, वे ये चीज ऑफर करें। अगर खाली खाना पूरी के लिए हो रहा है, यू हैव टू सी आपके रिव्यूज क्या है स्कूल के, वहाँ के बच्चे पेरेंट्स उनसे देखें आपको मिल क्या रहा है, व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग, जो ये खाना पूरी है या ये कोई वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी चाइल्ड की मेंटल हेल्थ में, चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। दीपा, हर चीज इज एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर 5 साल के बच्चे को आप वो काम नहीं करा सकते जो 10 साल का बच्चा कर रहा है, और आप 2 साल के बच्चे को वो काम नहीं करा सकते जो 4 साल या 5 साल के बच्चा कर रहा है, तो देयर इज लिटरेचर अवेलेबल फॉर इट। जो स्कूल खोलते ही उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वी हैव टू गो, एवरी क्लास इज सेग्रीगेटेड, द 2 to 5 के ग्रुप को इकट्ठे बिठा देने का मतलब ये है कि आप या 2 साल या 5 साल के बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एट द सेम मेंटल एज। सो 2 साल के बच्चे को आप जो चीज कराएंगे वो आप 5 साल के बच्चे को नहीं कराएंगे, जो 5 साल की कराएंगे वो 8 साल के नहीं कराएंगे। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, वो डिफरेंट एज ग्रुप में है, डिफरेंट मेंटल एज पे। आप 2 साल के सारे बच्चों को इकट्ठा करा के उनकी जो एज है उस पर डील करें, और जो 5 साल के बच्चों को करा के उनकी जो एज है उनको डील करें। अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स मैं पूछना ही चाह रही थी कि हर एज ग्रुप के साथ हम लोगों ने 2 to 5, 2 to 6 बेसिकली कहने एक एज ग्रुप होती है, फिर 7 to 13 एक एज ग्रुप होती है, ये जो 2 to 5 या 6 years अप टू 7 years कहने, इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सो मैंने एक सेल्फ एस्टीम मैं काफी ज्यादा उस पर पढ़ रही थी कि इस एज में बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन 2 to 5 में आपके ख्याल में इस एज ग्रुप में किस किस किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के साइकोलॉजिकल जो डेवलप हो रहे होते हैं? 2 years के बच्चा तो अपनी इंडिपेंडेंस, उसको आप रोबोटिक्स और उन चीजों में नहीं डाल सकते, यू हैव टू गो बाय एज। 2 years के बच्चे के लिए आपको बिकॉज आप उसको डील करना सिखाएं अपनी इमोशंस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टेंट्रम्स कहते हैं ना टेरेबल टूल्स, बिकॉज उनकी बहुत सारी इमोशंस होती हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील, तो वो टेंट्रम्स शो करते हैं। तो सिट देम डाउन, काम देम डाउन प्यार से, व्हेन दे आर इन अ टेंट्रम उस वक्त उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज उस वक्त उनको सिर्फ आपने काम डाउन करना है, सपोर्ट करना है, प्यार करना है। व्हेन दे काम डाउन यू टॉक टू देम कि हाउ कैन दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन अ मोर प्रोडक्टिव वे। अब उनको उनकी लैंग्वेज में ये बात समझानी है एट देयर लेवल कि 2 year का बच्चा है तो उसने अपनी इमोशंस को कैसे डील करना है, उसने इंडिपेंडेंट होना है तो वो क्या क्या काम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले। मसलन ये कि मदर्स हैं वो शुरू कर दें कि वो बच्चे खुद कपड़े पिक करना शुरू करें, आप उनको सामने रखो कि ये शर्ट है ये, आप उनको अलाउ उनको कहें कि ये चीज डालो, ये करना शुरू करो, गिव देम थिंग्स टू डू ऑन देयर ओन, कि उनकी आप इंडिपेंडेंस बढ़ाएं। जब आप इंडिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप उनको जब आप डील करना सिखाएंगे ना इमोशंस, तो यू गिव देम अ वॉइस, दे हैव एन एक्सप्रेशन, तो ये उनकी जितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जितना दे कैन बी वेरी इमोशनली मेच्योर व्हेन दे ग्रो अप। अगर आप इस लेवल से शुरू करें 3, 4, 5 years की भी एज पे, देखें हम लोग की नेशन में ये है कि हम लोग जो वेस्ट कर रहा होता है ना, हम पीछे भागना शुरू कर देते हैं। It's not about robotics and STEM. It's about balancing things. ये जो age होती है, it's more about attachment, validation, learning things, curiosity. इस age पे love and curiosity, I think better बड़ी emotions हैं दो। अगर आपको parents से love मिल रहा है, security मिल रही है, trust है आपको, तो आपकी जितनी self-esteem, self-issue, self-confidence develop करेगा ना, वो किसी और चीज से नहीं develop करेगा। Then curiosity होती है इस stage पे, expression होता है, you need to express, kids need to express, इस age पे आप उन्हें express करने के लिए चीजें दें। Like बेशक ये पुराना हो गया है style, लेकिन अगर आप उनको मिट्टी से खेलने देंगे, play-doh दे दें,
स्कल्पचर्स बनाने दें, मिट्टी से चीजें बनाने दें, एक्सप्रेस करेंगे बॉडी लैंग्वेज उनकी, उनको लगा दें डांस वगैरह पे या खेलने कूदने पे, कलरिंग पे। इवन अगर कोई चीजें, मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जो करी है उसमें अगर ब्लॉक्स आपको पुराने लग रहे हैं उसमें एज अप्रोप्रिएट स्टेम की कोई चीज डालें। इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टेम, इट्स नॉट अबाउट रोबोटिक्स, इट्स अबाउट अलाउइंग द किड्स टू डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस तरह से उनकी लॉजिकल थिंकिंग एंड देन क्वेश्चनिंग, एक्सप्रेसिंग देयर ओन इमोशंस, एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न्स, एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एक्चुअली। देखिए आप बच्चा आपका अपना है, आपकी वाइफ के साथ सेट है, अगर बच्चा नींद ऊपर नीचे हो गई है, खाना पीना ऊपर नीचे हो गया है, अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं दे स्टार्ट डूइंग पीइंग इन देयर पैंट्स वो कर रहे हैं, या रात को पीइंग इन द बेड करना शुरू कर दिया है, टेंट्रम थ्रो बिला वजह के हर बात पे गुस्सा, आपको आप अलर्ट हो जाएंगे कि द चाइल्ड इज नॉट बीइंग जिस तरह से वो पहले उसका एक नॉर्मल बिहेवियर चल रहा था, देयर इज समथिंग अपसेटिंग द चाइल्ड। तो वो क्या है कि आप एनवायरनमेंट से करेंगे, कोई पीयर है, देखिए आजकल तो बुलिंग के इशू बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, कोई पीयर है जो दूसरे, मतलब पांच साल के बच्चे एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं, और जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। आप बच्चों को एक्सप्रेस करने दें, अगर माँ प्यार से बैठ के या बाप प्यार से बैठ के बात करेगा कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, द चाइल्ड इज काम, नॉट व्हेन द चाइल्ड इज इन थ्रोइंग अ टेंट्रम, उस वक्त द चाइल्ड इज काम डाउन, बिल्कुल ठीक है, तो आप पूछें कि क्या चीज है जो बॉदर कर रही है, और उनको उनके तरीके से, जिससे हर माँ और बाप को पता होगा कि अपने बच्चे से कैसे बात करनी है, डायरेक्ट करनी है या इनडायरेक्टली सवाल करना है, इस तरीके से करना है कि बच्चा अलर्ट ना हो ये, और इसमें टीचर्स का भी होता है, स्कूल का वो भी होता है कि स्कूल में टीचर्स नोटिस करें कि आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं, देयर इज अ ग्रुप, तो व्हाट्स द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप में क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा को बुली हो रहा है या कौन से बच्चे को दबाया जा रहा है, एक बच्चा हर वक्त उससे कलर छीन लिए जाते हैं, कलर पेंसिल्स, दैट्स बुलिंग। हमें जरूरी तो नहीं कि आप मुंह से कुछ कहें, एक बच्चे की कलर पेंसिल्स छीने जा रहे हैं बार बार, तो वो बच्चा चुप रहना शुरू हो गया, चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया, या वो लंच बॉक्स फेंक रहा है, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो आप डायनेमिक्स, वो टीचर्स वहाँ पे जो स्टाफ है वो चीज पिक करते हैं, और वो खुद भी एड्रेस करते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं कि एड्रेस करें, प्लीज हेल्प अस आउट, दिस चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दैट। थोड़ा सा आपने, मतलब आप ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आजकल के बच्चों में वाकई जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ADHD है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर लोग कहते हैं, हाइपर बहुत ज्यादा है बच्चे, मतलब ये हम लोग तो हर वैसे सुनते हैं, अच्छा हम तो हाइपर बच्चे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये तो बड़े तमीज के बच्चे थे, और आजकल के बच्चे जो है वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, दे हैव एवरीथिंग बट बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्कूल्स में भी अब जो फैसिलिटीज आजकल के बच्चों के पास है प्री स्कूल्स में, हम लोग के जमाने में प्री स्कूल्स नहीं होते थे या डे केयर टाइप होते थे, उसमें तो कोई ऐसी फैसिलिटीज होती नहीं थी, उसके बावजूद बच्चों में ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत कंप्लेन करते हैं आजकल पेरेंट्स, तो होते भी हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं सारे, उनको एड्रेस करना नहीं आता, वो और बात है हर किसी को, लेकिन ये कि आपके घर में क्यों क्यों ज्यादा हो रहा है सब, क्या बड़ों में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए, हमारे बड़े कब कहते थे कि हमें डिप्रेशन हो गई है, या हम हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हमें ये पैरानोया फीलिंग्स चल रही है, ऐसी बच्चों में भी है, इट इज द जीन्स, इट्स द एनवायरनमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर दोनों क्वेश्चन है ना, नेचर वर्सेस, आपकी माएं प्रेग्नेंट होती हैं, औरतें आईपैड लगा के अपने पेट के ऊपर रख के आईपैड ड्रामे देख रही होती हैं, हाँ तो जो सारी रेस जा रही हैं और जो सारा साउंड म्यूजिक, हम पुराने जमाने की औरतें कुरान पढ़ती हैं, अब आई एम नॉट जजिंग दीज, मैंने भी यही किया हुआ है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि आजकल जो चीजें आपको जो अवेलेबल है आप वो बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चे पैदा होने से पहले वो साउंड्स और म्यूजिक्स और वो सब कुछ सुनते आ रहे हैं, जो कि उनको हाइपर अलर्ट करता है, ठीक है, माइंड भी अलर्ट है, हाइपर अलर्ट है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा स्टिमुलस है, बच्चे पैदा होते साथ बच्चे रो रहे हैं, फौरन सामने फोन रख के कोई म्यूजिक व्हील्स ऑन द बस लगा दिया, जो भी लगा दिया, वट एवर प्ले कर दिया फौरन, तो जो आप लाइट साउंड इतना सब स्टिमुलस दे रहे हैं, तो डू यू नॉट थिंक द ब्रेन विल गो इन टू हाइपर एक्टिविटी, न्यूरोनल पाथवेज और बन जाएंगे और सारा कुछ, जितना आप बच्चों को जितना आप देंगे, अब ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, तो अगर आप जब माँ बाप यही कर रहे हैं बच्चों को, आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रो रहे होते हैं तो उनके आगे लैपटॉप लगे होते हैं और वो गाने सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो लैपटॉप लगे हुए या टीवी लगा है या आईपैड्स लगे हुए, पेरेंट्स में भी इतना पेशेंस नहीं है कि वो बैठ के बात करें आराम से, काम डाउन करें, बात करें, हम टाइम नहीं देते, हम बच्चों को टाइम नहीं देते, हम बच्चों से बात नहीं करते, बात चुप करो मैं ही कर रहा हूँ,
जाओ जाके खेलो, तुम इतने खिलौने लेके दी, जाओ उसके साथ जाके खेलो, यही होता है ना. वी डोंट वॉन्ट टू टॉक टू अवर किड्स. हम उनको एक्सप्रेस करने नहीं देते, हम उनसे कनेक्ट नहीं करते. देयर इज नो कनेक्शन. जब डीप कनेक्शन नहीं, दे कनेक्ट विद व्हाट? गैजेट्स. एनी गैजेट, टैबलेट्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, टीवी, हर तरह का. और उसपे वो क्या देख रहे हैं? हर तरह की गेम्स, हर तरह. अब छोटे जो बच्चे हैं वो ये देख रहे हैं डिज्नी की मूवीज, कार्टून्स, ये वो. अब उसमें वो जो कुछ देख रहे हैं वही वो इंट्रोजेक्ट्स उनके अंदर जा रहे हैं, वो उनकी वैल्यूज बन रहे हैं. इतना वो हाइपरनेस देख रहे हैं तो हाइपर हैं. इट्स जस्ट. और जीन्स में भी फिर, क्योंकि हमारे अपने पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव मिली, क्या क्या करके हम खा रहे हैं. ठीक है, अगर अब सिर्फ हम अगर यही देख लें कि हम ये जो कोल्ड मीट और सॉसेजेस और पिज्जाज बर्गर्स खाते, अब उस तरह से ना हमारी खुराक है माओं की, तो वही सब कुछ तो जा रहा है बच्चे को. तो इट्स जस्ट नेचर वर्सेस नर्चर कि आपकी जीन्स है, आपकी इन्वायरमेंट है. तो होल जब पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया चेंज हो गई है, किड्स पे इफेक्ट आएगा. प्री स्कूल्स की नॉर्मली एज होती है 2 to 5 years, और वही एज कहते हैं कि बच्चे उस एज में उनकी मेंटल ग्रोथ जो होती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. दे लर्न अलॉट ऑफ हर चीज लाइफ की जो है, डिसीजन मेकिंग वहां से बच्चे स्टार्ट करते हैं. कंसेंट का कॉन्सेप्ट वहां से आता है बच्चों का, और बहुत सारी मतलब उसमें मेन मेंटल डेवलपमेंट. लेकिन पेरेंट्स का इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि प्री स्कूल्स में थोड़ा सा ये होता है कि पेरेंट्स पाकिस्तान में जनरली ट्रेंड ये है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स पे डाल देते हैं. ये बहुत ज्यादा हाँ, तो वो मतलब आप ये टीचर्स टू टीच एवरीथिंग. तो इसलिए आप देखिए टीचर्स सारों पे आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते. मोस्टली 2 से 5 साल के बच्चे स्टाफ पे होते हैं. आपको भी पता है कि स्कूल्स के पाकिस्तान में क्या हालात है, कि वहां पे कितनी की कोई प्ले 2 से 5 दे जस्ट लेट देम प्ले या स्लीप ऑल डे एंड देन गो बैक होम. उस तरह से नहीं हो रहा होता कि हम कहें कि उनकी आप मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए कोई कर रहे हैं. ठीक है, दे आर सर्टन फ्यू प्री स्कूल जो कि वाकई बहुत अच्छे हैं, काम करते भी हैं, लेकिन माँ की गोद निमल बदल उसका कोई नहीं है. माँ और बाप जो आपकी प्राइमरी केयर गिवर्स है ना, अटैचमेंट थ्योरी है ये, जो आपकी प्राइमरी केयर गिवर्स है ना, दे हैव टू बी ऑन हैंड्स, वेरी विजिलेंट, वेरी इन्वॉल्व विद देयर चाइल्ड्स लाइफ. ये 2 से 4-5 साल मतलब फर्स्ट 4 to 5-6 ईयर्स कह लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो जो हम कहते हैं ना आजकल की दुनिया है, अब ये वो वाला जमाना नहीं रह गया कि कॉपी पेस्ट है और जो आपको बच्चे को सिखा दिया तो वो उसने सीख लिया. बच्चे दे हैव अ वॉइस, दे हैव अ चॉइस, यू टॉक टू देम. अब मदर्स, अब टीचर्स, ठीक है कि आपको रेशो कितनी है स्कूल में, कितने बच्चे एक टीचर पे, वो कितनी बात करेगी. ठीक है, देर आर स्कूल जहाँ टीचर्स बातें करती हैं बच्चों से, लेकिन मदर और फादर दे हैव दिस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी टॉक टू अवर किड्स. यही तो बात है, एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टॉकिंग टू योर किड्स स्कूल से ज्यादा पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल, और नहीं हर एज ग्रुप में मैं कहूंगी कि दे हैव टू बी अ पेरेंट टीचर या पेरेंट स्कूल एडमिन की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए. अगर वो ट्राई एज नहीं होगा, देयर गैप्स इन इट, तो फिर बच्चे सफर करते हैं. आप बच्चों को एक्सप्रेस करने दें. अच्छा आयशा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था कि आपके ख्याल में स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट होना कितना जरूरी है? मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर मैंने बहुत ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत ज्यादा कॉमन है कि छोटे बच्चों के स्कूल्स में खास तौर पे, आई थिंक वहाँ पे टीनेज लेवल पे तो शायद ज्यादा इश्यूज होंगे, लेकिन बच्चों के लेवल पे साइकोलॉजिस्ट जरूर होती है स्कूल में. हर लेवल पे देखिए, अब जो जमाना आ रहा है ना, यू हैव टू गो बाय द, अब जैसे हम लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज को जो है ना मानना चाहिए कि ब्रेन इज एन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अगर हमारे हार्ट में कुछ हो रहा है, हम कार्डियोलॉजिस्ट को भागे हुए जाएंगे. हमारी बोन्स में, नीज में कुछ है तो हम ऑर्थोपेडिक्स को भागेंगे ना. हमें कोई और चीज़ होती तो हम एड्रेस करते हैं. ब्रेन को आता है शुक्र करो, सब्र करो, दबा के रखो, कुछ नहीं हुआ जी, ऐसे मतलब ये कि इससे नहीं, ऐसे नहीं होता. तो यू हैव टू, पहले तो आप माने कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आर नॉट अ टाबू, आपको एड्रेस करने आपको. ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और उसके इफेक्ट होता है, बच्चों को भी इश्यूज होते हैं. तो अब जो आजकल का जमाना है उसके मुताबिक तो हर लेवल पे बच्चों के, जो छोटे प्री स्कूलर्स हैं उनके चाइल्ड डेवलपमेंट में जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं वो होने चाहिए. एटलीस्ट आप अगर हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं रख सकता, तो आप एक या दो स्कूल जो है कंसल्टिंग रखें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ताकि अगर जब आपको कोई इश्यूज आते हैं comes in 2 to 3 days a week और आके
मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेंड होते हैं, वो आके बच्चों से बात करें, ठीक है ना, तो उनकी सलाह होना चाहिए कि वो उनको कोई इशू लग रहा है तो उनसे डिस्कस कर सके, बिल्कुल करें, बिकॉज जिस तरह से वो बच्चों को प्ले थेरेपी से, टॉक थेरेपी से, जिस तरह से वो प्रोफेशनली करेंगे, उस तरह से हो सकता है टीचर्स को या पेरेंट्स को करना नहीं आ रहा हो, और बात की देखो कुछ छोटी बात हो रही है तो शायद पेरेंट्स और टीचर्स डील करें, लेकिन बात अगर बड़ी हो गई है, हाँ कोई बच्चा जैसे अब बच्चे हैं स्कूल में अकेले बैठना शुरू हो गया, टिश्यू पेपर्स खाना शुरू हो गया, ऐसी चीज, अब ये चीजें जो हैं ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ काउंसलर बेहतर तरीके से ट्रीट कर ले। के यहाँ तो ऑटिज्म के प्रॉपर सेंटर्स भी नहीं अब बनना शुरू हैं, पेरेंट्स अपने ओन पे जो कर रहे होते हैं, एक आधी कोई अब बना है और वो भी कितने प्रॉपर है, वो थिंग इज की पॉलिसी मेकिंग में आता है, इट्स जस्ट नॉट द पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये तो फिर पॉलिसी मेकिंग बड़े लेवल पे, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे बातें होनी चाहिए कि ये आपके रूल्स होने चाहिए, फिर ओपनिंग प्री स्कूल आपको लाइसेंस तब मिलेगा, देयर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको पूरी फुलफिल करनी है पहले, जैसे बाहर होता है कि नॉट एवरीबॉडी कैन ओपन अ स्कूल, उनके सर्टेन डिप्लोमास हैं जो कि किए हों उन्होंने और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो कि पूरी की हों, देन यू गेट अ लाइसेंस, या तो हर कोई खोल लेता है ना स्कूल में, खोलिया बन गया चल पड़ा, देयर इज नो लाइसेंस, कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, तो दिस इज नॉट अ वेरी वो उस लेवल का ये इशू नहीं है कि छोटे लेवल, ये बड़े लेवल, तो यही बात है कि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और चेंजेस आ रही हैं, होपफुली होपफुली फॉर द गुड कि इतनी अवेयरनेस आ जाए, और आप जैसे लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की कहीं बात सुनी जाए, यही तो बात है कि यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, दैट्स द बिल्कुल, पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ सच इश्यूज, तो स्कूल्स तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी लेवल तक पहुंच ही जाएगा होपफुली, आप ये शोर कोई एक आध मचे आपकी जैसे बन जाती है, से वेबसाइट पे आपके ये वीलॉग्स अवेलेबल हैं, कहीं और हो जाए कहीं ना कहीं आवाज निकलना शुरू हो जाए, तो इट विल गेट बिगर, तो ये इट विल बी हर्ड, फिर कोई सुनेगा तो कोई शायद इस पे कोई पॉलिसी मेकिंग पे काम भी आए, तो वही कहते हैं मायूसी गुना है, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज भी इम्प्लीमेंट कभी हो जाए, ये चीज